कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। मैं केशव शर्मा आपका होस्ट, जो आपको बताता है हर तरह के ऑडिशंस के बारे में। तो ये वीडियो है द बिग पिक्चर शो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रणवीर सिंह जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनके बारे में ये वीडियो होने वाली है, उनके शो के बारे में होने वाली है जो कलर्स टीवी के ऊपर आने वाला है। जब मैंने स्टार्टिंग में जब रजिस्ट्रेशन बताया था कि भाई कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए और क्वेश्चंस के आंसर भी दिए। तो आप लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी ज़रूर होगी कि भाई हमारा जो रिजल्ट है कब आएगा, हमारे पास कॉल आएगा या नहीं आएगा, या फिर लोगों के पास क्या पता कॉल आ भी रहे हों और आपके पास ही नहीं आ रहे, क्योंकि हो सकता है आपके आंसर्स गलत हों। क्या रीजंस हो सकते हैं कि आपके पास कॉल आएगा या नहीं आएगा। और दूसरा, एक और बड़ी अपडेट आपके लिए द बिग पिक्चर शो को लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो पूरी आखिरी तक देखना ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि भाई आपके साथ क्या होने वाला है द बिग पिक्चर शो को लेकर। जो लोग गाइज इंटरेस्टेड थे, उन्होंने फॉर्म को फिल किया, सभी क्वेश्चंस के आंसर सही देने की कोशिश करी, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई अपने रिजल्ट का, कि हमारे पास कॉल आएगा या फिर नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। क्योंकि अक्सर जिन लोगों ने भी आंसर्स दिए हैं, पहले उन्होंने टिक किया है, उसके बाद गूगल पे सर्च किया और उनका आंसर अगर सही है तो उनको एक कॉन्फिडेंस आ चुका है कि भाई हमारे पास तो जो द बिग पिक्चर शो वाले कॉल ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारे सभी जवाब बिल्कुल सही रहे हैं। तो इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा कि होने क्या वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं गाइस, जब भी इनका क्वेश्चन आया था तो जिन लोगों ने सबसे पहले, जितने भी 100 पीपल्स जिन्होंने सबसे पहले उसका जवाब दिया था, उनका रिजल्ट आएगा। तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। जब सबसे पहला क्वेश्चन आया था द बिग पिक्चर का वूट एप्लीकेशन के ऊपर, तो लोगों ने, जितने भी लोगों ने टॉप 10 के अंदर उन क्वेश्चनों का आंसर दिया होगा, उनका डेफिनेटली रिजल्ट आने वाला है। और उसके बाद जिन्होंने दिया होगा उनका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे पहले आंसर दिया है उनको पहले लिया जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर बार KBC के साथ भी ऐसा ही हुआ है और द बिग पिक्चर के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर आप 1 घंटे या 2 घंटे बाद किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, इसका मतलब आपने गूगल किया है या फिर किसी से पूछा है। और अगर आप जैसे क्वेश्चन आपके सामने ओपन होता है और तुरंत आप उसका आंसर दे रहे हैं विद इन सेकेंड में या विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स के अंदर, तो इसका मतलब आप अपनी मर्जी से उसका जवाब दे रहे हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी अपडेट जो द बिग पिक्चर को लेकर है, वो है गाइज, आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही होना जरूरी नहीं है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन ठीक है और वो आपने सबसे पहले आंसर किया है, तो डेफिनेटली आपके पास कॉल आने वाला है। इसमें ऐसा नहीं कि आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही रहने चाहिए तभी आपके पास कॉल आएगा, नहीं। अगर आपका एक भी क्वेश्चन सही है और आपने सबसे पहले उसका आंसर दिया है, या फिर आपने दूसरे तीसरे या टॉप 10 के अंदर आंसर्स का जवाब दिया है, तो आपके पास कॉल आने वाला है। ये है गाइज द बिग पिक्चर शो का एक सबसे बड़ा अपडेट जो मुझे आपको बताना था। और जिन लोगों के 10 के 10 क्वेश्चन ठीक हैं बट उन्होंने सही टाइम पे किसी नहीं दिया, यानी कि 1 घंटे बाद आंसर्स दिए हैं, 2 घंटे बाद आंसर्स दिए हैं, बट उनके सब के सब क्वेश्चंस ठीक हैं, तो उनका जो कॉल है वो आएगा कुछ दिनों बाद, यानी कि जब शो थोड़ा सा पुराना हो जाएगा या फिर जब कंटेस्टेंट नहीं बचेंगे तब आपके पास कॉल फिर से आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि गाइस जो कॉल का क्राइटेरिया है, ये पहले उन लोगों को चूज़ करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, उनको लगेंगे कि हाँ भाई इन्होंने सबसे पहले दिया यानी कि इंटेलिजेंट हो सकते हैं, उनके पास कॉल करेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चंस और किए जाएंगे ताकि वो राइट टाइम पे आंसर दे पाते हैं या नहीं, उसके बाद ही उनको टेलीविजन राउंड के लिए ले जाया जाएगा। बाकी आप वेट करते रहिए, अगर आपके 10 के 10 क्वेश्चन ठीक हैं आपके पास कॉल, मैसेज या ईमेल जरूर आने वाला है। और जिन लोगों ने सबसे पहले आंसर्स किए हैं उनके पास तो ज़रूर मेल, मैसेज या कॉल आएगा, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप जो सेकंड राउंड है उसको चला पाते हो, क्रैक कर पाते हो या फिर नहीं। हालांकि किसी भी तरह की कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, ये सब अनऑफिशियली है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, मैंने ट्विटर हैंडल पर चेक किया, रणवीर सिंह के अकाउंट्स पर चेक किया, ऐसी किसी भी तरह की कोई अपडेट नहीं है कि भाई इसका रिजल्ट हम कब निकालने वाले हैं। हो सकता है कि भाई ये प्रोसेस कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं और जो फिल्टर डाटा है जिन्होंने सही आंसर्स दिया उनको निकाल रहे हैं, उसके बाद ये अपना रिजल्ट घोषित करेंगे या फिर आप लोगों को कॉल करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी अपडेट होगी बिग पिक्चर को लेकर, वो हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर आप किसी भी तरह के रियलिटी शो में जाना चाहते हैं तो आप हमारी नीचे वाली प्लेलिस्ट देखिए, और अगर आप जो ऊपर वीडियो
वीडियो है इसको देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली देखिए, इसके अंदर हमने आपको ऑडिशन के बारे में बहुत सारी अपडेट्स दे रखी हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।